संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तर्क संग्रह में हमने दो वीडियो के माध्यम से जाना था, पदार्थ जाने थे, फिर पदार्थ के बाद में हमने जो उनके खंड किए गए हैं जैसे नव द्रव्य है, 24 गुण हैं, वो जाने थे। उसके बाद नव द्रव्यों के बारे में भी हमने अच्छे से जान लिया है और उम्मीद है सही समझ में आया होगा आपके। आज हम गुणों की चर्चा करेंगे और उनके विस्तृत में जाएंगे कि गुण है क्या आखिर। तो सीधे चलते हैं गुणों पर। गुण हमने जाने थे, 24 गुण होते हैं, तो 24ों को तो बताना संभव नहीं है, लेकिन जितने हो सकते हैं उतने बताने का प्रयास करेंगे। तर्क संग्रह, ठीक है। तर्क संग्रह इसमें जो गुण हैं वो 24 जाने थे, तो उसमें थोड़ा सा एक से शुरू करते हैं। रूप, रूप रस, गंध, स्पर्श, जानने का प्रयास करते हैं कि रूप क्या है, गंध क्या है, रस क्या है, स्पर्श क्या है। तो यहाँ सबसे पहले जो रूप बोला गया है, हमने जाना है रूप के बारे में, जो हमें आंखों से दिखाई देता है वो रूप होता है। द्रव्य आने थे तब इसमें थोड़ा सा जाना था, तो इसमें बोला गया है चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, अर्थात मात्र चक्षु से, आंखों से जिसको ग्रहण करें, यानी आंख जिनको ग्रहण करें, स्वीकार करें, या आंख से जो ग्रहण करने योग्य हो वही रूप है। अब बात आती है कि ये होते कितने प्रकार के हैं, तो इसमें बोला गया है शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र वेदास, सप्त वेदास, एक दो दिखाई दे रहा, ठीक है, तीन चार पाँच छ सात, ये सात प्रकार के रूप यानी कि रूप होते हैं, इन्हीं को हम गुण भी बोल देते हैं। शुक्ल माने श्वेत, नीला, पीला, लाल, हरा, भूरा और चित्तकवरा, ठीक है। ये सात रूप होते हैं, रंग होते हैं, उन्हीं को ही रूप माना गया है और उन्हीं को ही वो ही गुण माने जाते हैं। चक्षु मात्र ग्राहो गुणो रूपम, चक्षु से, आंखों से जिन गुणों को ग्रहण किया जाता है वो रूप कहलाते हैं, और इन ही गुणों को ग्रहण किया जाता है ये रूप के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि ये गुण रहते कहाँ हैं, किस किस में रहते हैं, हमने जो नव द्रव्य जाने थे उनमें से किस में रहते हैं, तो इसमें बोला गया है पृथ्वी व्यक्त तेजो वृत्ति, अर्थात पृथ्वी जल तेज, पृथ्वी जल तेज, इसमें
ये गुण रहते हैं पृथ्वी में, सातों रहते हैं, सातों गुण पृथ्वी में कैसे रहते हैं, ये सातों गुण पृथ्वी में मौजूद होते हैं जो हमें ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहे हैं। श्वेत, नीला, पीला, लाल, हरा, भूरा, चितकबरा, शुक्ल, नील, पित्त, रक्त, हरित, कपिश, चित्र, ये सातों जो गुण हैं, रंग हैं, वो पृथ्वी में सातों आए जाते हैं। और जल में श्वेत मिलता है शुक्ल यानी की, और इसमें भी शुक्ल ही होता है, श्वेत और शुक्ल को मिला दूंगा का फायदा, शुक्ल और इसमें भी शुक्ल होता है, लेकिन अंतर होता है दोनों में। इसमें जो होता है वो अभास स्वर होता है और इसमें भास्वर होता है। अभास्वर और भास्वर में क्या अंतर होता है, आ मानी नहीं, भास्वर मानी चमकीला, जो जिसमें चमक ना हो, प्रकाश ना हो, ऐसा जो श्वेत होता है, शुक्ल होता है, वो जल में रहता है। लेकिन भास्वर शुक्ल जिसमें तेज हो, प्रकाश हो, अर्थात चमक हो, ऐसा श्वेत तेज में रहता है। तो ये इस तरह से इसमें रहते हैं। अब बात आती है, एक और इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि जो गुण होते हैं वो इसमें उत्पन्न कैसे होते हैं, गुण इसमें किस प्रकार से रहते हैं, नित्य अनित्य। तो पृथ्वी में जो गुण रहते हैं वो अनित्य होते हैं, और इनमें पृथ्वी को छोड़कर के जो भी गुण पाए जाएंगे पृथ्वी में हमेशा अनित्य ही होंगे, और इनमें हमेशा नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के होते हैं, नित्य और अनित्य। अब अनित्य इसमें क्यों होते हैं, जबकि हमें पता है कि सभी द्रव्य जितने हैं, जितने भी हैं, वो नित्य रूप और अनित्य रूप दोनों रूप में मौजूद होते हैं, कारण रूप में और कार्य रूप, कारण तो नित्य होता है और कार्य में अनित्य होता है। तो यहां पर जो पृथ्वी की बात करी गई है, चर्चा की गई है, उसमें कारण रूप में भी और कार्य रूप में दोनों में अनित्य ही होगा। लेकिन ये क्यों होगा, इसका कोई भी अभी मुझे प्रश्न नहीं मिल पाया, उत्तर नहीं मिल पाया। यदि आपके पास इसका उत्तर हो तो मुझे अवश्य कमेंट के माध्यम से बताएं। जब इसमें नित्य रूप में और अनित्य रूप में मौजूद होता है ये गुण, इसमें एक चीज और बोली गई है, पाकज होता है, ये पाकज होने के कारण ये जो गुण होते हैं वो पृथ्वी में अनित्य होते हैं। लेकिन पाकज है क्या, इसके बारे में इन्होंने एक और बात बोली है, विजाती है तेजा संयोगा पाका, अर्थात विजातीय तेज के संयोग से जो उत्पन्न होता है वो पाक कहलाता है। अब विजातीय संयोग किसके बारे में बोला गया है, इसके बारे में पूरी व्यवस्था देखनी पड़ेगी इसमें, तो पाकज बोला गया है इसको। दर्शन हमने केवल एक रटने का माध्यम बना लिया है, पेपर में जितना आता है, प्रश्न पत्र में जितना आता है, हम उसको कंठस्थ कर लेते हैं और बस बात खत्म हो जाती है। हमें कुछ और भी उद्देश्य लेके चलना चाहिए, जो शोध करते हैं उनका भी शोध करना सिर्फ इतना होता है कि किताबों को इकट्ठा किया, उनमें से निचोड़ निकाला और लिख दिया, बात खत्म हो गई। शोध का तात्पर्य होता है अपना कुछ विचार उसमें से निकालना। अब यहां पर दोनों चीजों को समझना होगा, जब यहां नित्य और अनित्य दोनों इसमें जल और तेज में है ये गुण, तो नित्य और अनित्य पृथ्वी में भी होने चाहिए, क्योंकि ये भी कारण रूप और कार्य रूप दोनों रूप में मौजूद होती है। जल और तेज भी नित्य और अनित्य होते हैं, कारण रूप में नित्य रूप में होता है और कार्य अनित्य रूप में होता है। जब यहां पर ये नित्य और अनित्य दोनों गुण हैं, क्योंकि ये अपाकज माना गया है, इसके किसी संयोग से इनमें गुण उत्पन्न नहीं होते, सीधे इनमें उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए इनमें नित्य और अनित्य माना गया है। यहां पृथ्वी में रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सारी पृथ्वी में गुण होते हैं, लेकिन वो अनित्य ही होते हैं, वो कार्य रूप में हो या कार्य रूप में हो। यदि इसका आपके पास कोई उत्तर हो, या आपके नजदीक कोई विद्वान रहते हो, या कोई विद्वान मेरी इस वीडियो को देख रहे हो किसी माध्यम से, एक खेल के माध्यम से, या विद्वान जो होते हैं कभी कभी परीक्षा के रूप में भी देख लेते हैं, तो मैं उनसे भी प्रश्न करना चाहता हूं कि इसका उत्तर क्या है, ये अनित्य में ही क्यों है, यहां क्यों नहीं हुए अनित्य में गुण, दोनों में होना चाहिए, यहां भी नित्य और अनित्य होना चाहिए, कारण रूप और कार्य रूप दोनों में मौजूद है हमारे पास, तो यहां पर होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपके पास हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। चक्षु से जिसका ग्रहण किया जाता है वो रूप हो गया, ये सात प्रकार के होते हैं गुण, पृथ्वी में सातों प्रकार के पाए जाते हैं, जल और तेज, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। मैं वेदांत सार की चर्चा कर रहा हूं, वेदांत सार में भी
जब हम देखते हैं कि ये सूक्ष्म भूत होते हैं, उनसे फिर जब उत्पन्न होते हैं महाभूत, जिसको पंचीकरण बोला जाता है, पहले ही एक दो दिन पहले ही हमने वीडियो को उसको डाला था, उसमें पंचीकरण में दिखाया था कि ये सारी पृथ्वी जल तेज वायु जो भी उत्पन्न होते हैं वो अपने तो आधे भाग में मौजूद होते हैं, लेकिन 1/8 अन्य पदार्थों को नवद्रव्यों को वो अपने में सम्मिलित किए होते हैं। जब एक जैसी ही व्यवस्था सब में है तो इनमें अनित्य और नित्य का क्या व्यवस्था है, ये सोचना पड़ेगा। ये प्रश्न में नहीं आता, हालांकि कभी कोई नहीं पूछता इस बात को, मैं तो एक व्यवस्था के अंतर्गत बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सोच रहा था मैं भी इस विषय में कि मैंने तो ये केवल अब मैंने भी कंठस्थ किया है, लेकिन ये क्यों होता है ये मुझे इसका उत्तर नहीं पता। ठीक है, ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभास्वर होता है ये, भास्वर होता है ये, सातों में होता है, अनित्य होता है क्योंकि पाकज होता है, पाकज की पाक के पाक से उत्पन्न, और पाकज क्या होता है, विजातीय तेज संयोग को पाक बोला गया है। ठीक है, इस तरह से ये कर सकते हैं आप, चलिए कुछ बात नहीं। आगे देखते हैं रस क्या है, इसमें बोला गया है रसना ग्राह्यो गुणों रसा, रसना के द्वारा जिसको ग्रहण किया जाए ऐसा गुण रस कहलाता है। रसना मतलब जिह्वा, जिह्वा से जिसका ग्रहण किया जाता है। ये कहां रहता है, पृथ्वी जल वृत्ति अर्थात ये पृथ्वी और जल में इसका व्यवहार होता है, पृथ्वी और जल। अब एक चीज और है इसमें थोड़ी सी, ये कितने प्रकार का होता है, इसमें बोला गया है मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अर्थात ये जो गुण होते हैं रस के वो 6 प्रकार के होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु और कषाय तिक्त। ये पृथ्वी और जल इन दोनों मात्र में होता है, तेज से वायु से इनका कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी में ये 6 होते हैं, याद रखना है पृथ्वी में जो भी चीज है वो सब कुछ इसमें सम्मिलित है, पृथ्वी में सब चीज मिल जाएगी लेकिन और जगह सभी चीज नहीं मिल पाएगी। पृथ्वी में ये 7 में 6 मिल जाएंगे। अब इसमें फिर वही आ जाता है, ये भी अनित्य रूप में होता है यहां, और ये क्योंकि ये पाकज है, ये इसमें केवल मधुर जल में कौन सा मिलता है गुण, मधुर, और ये नित्य और अनित्य दोनों प्रकार का होता है, इसको हमको याद रखना है। ये अपाकज है क्योंकि ये पाक से उत्पन्न नहीं है, अर्थात ये किसी से मिला हुआ नहीं है। तो रसना ग्राह हो गुणो रसा, बस इतना ही है इसमें, और कुछ है ही नहीं समझाने के लिए इसको, तो बस एक बार कंठस्थ करेंगे जीवन में फिर भूमि लेंगे नहीं। इसमें बस ज्यों की तो यहाँ आता है ये पूछ लेते हैं, इसमें से पूछ लेते हैं पाकज अपाकज के बारे में पूछ लेते हैं। गंध घ्राण ग्राह्य हो गुणों गंध, नाक से नासिका से, जो हमने पिछले जो नवद्रव्य पढ़े थे उसमें भी हमने ये इनका अध्ययन किया था, तत्र गंधवती पृथ्वी, यानी पृथ्वी गंधयुक्त होती है, लेकिन गंध का कहाँ नासा अग्रवर्ती के बारे में जाना था, ऐसे रूप का चक्षु में होती है लेकिन चक्षु कृष्णा तारत कृष्ण कृष्णा तारा अग्रवर्ती में होता था, इस तरह से जानकारी अर्जित की थी, और उसी का ही ये दूसरा रूप है। तो घ्राण ग्राहो गुणो गंधा, नाक से जिसको ग्रहण किया जाए वो गंध होता है। ये दो प्रकार की होती है, सुरभि और असुरभि, ठीक है, और ये मात्र पृथ्वी में ही रहती है, पृथ्वी वृत्ति में, ठीक है। ये जो गंध होती है केवल पृथ्वी में ही होती है और किसी में भी ये नहीं होती। वही इसमें भी नियम लग जाएगा, अनित्य होती है पृथ्वी में, ये गंध होती है तो अनित्य ही है, और ये पाकज के रूप में है। स्पर्श के बारे में कहा गया है
तो इंद्रिय ग्राहो स्पर्श तो इंद्रिय तो इंद्रिय मात्र ग्राहो गुणो स्पर्शः अर्थात तो इंद्रिय से त्वचा से मात्र त्वचा से जिसका ग्रहण किया जाए उसी स्पर्श का नाम गुण का नाम स्पर्श है। ये कैसे है स्पर्श और ये इसकी वृत्ति में पृथ्वी व्यप तेज वायु वृत्ति अर्थात कितने प्रकार का होता है ये इसमें बोला गया है शीत उष्ण एक शीत उष्ण अनुष्णाशीत अनुष्ण अशीत अनुष्ण अशीत इस तरह से है। ये पृथ्वी जल तेज वायु इनमें रहते हैं। पृथ्वी में जो गुण है वो अनुष्णाशीत है, जल में शीत है, तेज में उष्ण गुण है और वायु में अनुष्णा शीत इस तरह से है। अब वायु में भी अनुष्णा शीत है और पृथ्वी में भी अनुष्णा शीत है या अनित्य के रूप में मौजूद है ये, और ये एक तरह से मानिए पाकज ही है, ठीक है पाकज, और ये इनमें सब में ही अपाकज होता है और इनमें फिर वही आ जाता है अनित्य और इनमें सब में नित्य और अनित्य दो प्रकार का होता है। इस तरह से हमने चारों को जान लिया है लगभग, रूप रस गंध स्पर्श, इससे ज्यादा प्रश्न पत्र में कुछ नहीं आता, बस यूं ही सीधे सीधे ये इसको पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है ये समझ आएगा, हम आगे के दो चार और देख लेते हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है ये समझ में आई होंगी आपके। इसका शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म होता है और अनुष्ण शीत का मतलब होता है ठंडा और न ठंडा न गर्म। संख्या परिमाण पृथकत्व विभाग संयोग में आता है, संयोग विभाग। चार हो गए तो उसमें पांच छः सात आठ और नौ। संख्या के बारे में बोला गया है एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, एकत्व आदि के व्यवहार का जो हेतु है
वो संख्या है। अब एकत्वादी से तात्पर्य क्या है, एक से लेकर के, अब एकत्वादी देख लेते हैं, एकत्वादी परार्ध पर्यंत, अर्थात एकत्वादी परार्ध पर्यंत होते हैं, परार्ध सीमा है इसकी, एकत्वादी परार्ध पर्यंतम। सा नव द्रव्य वृत्ति, अर्थात ये नौ जो प्रकार के द्रव्य हमने जाने थे उन सभी में इनको व्यवहारित रूप से जाना जाता है। अब एकत्वादि जो है, एकत्वादि नित्यम अनित्यम च, ये नित्य और अनित्य रूप से होती है। आगे बोला गया है नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, अर्थात जो पदार्थ नित्य हैं, अब नित्य और अनित्य पदार्थ कहाँ हैं ये हमको जानना है। कार्य रूप में सभी जितने भी पदार्थ हैं वो अनित्य हैं और कारण रूप में जितने भी पदार्थ हैं वो नित्य हैं। तो वहां जहां नित्य है पदार्थ वहां ये नित्य होती है। केवल एक संज्ञा ये इसमें, एकत्व, एकत्व आदि नहीं है, केवल एकत्व है ना, एकत्व, एकत्व नित्यम अनित्यम चा, एकत्व का मतलब एक, एक से लेकर के परार्थ पर्यंतम जो हमने संख्या जानी है उनमें जो मात्र एक है वो नित्य और अनित्य होती है, नित्य भी होती है और अनित्य भी होती है। नित्य कहाँ होती है, कारण रूप में, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, अर्थात जो नित्य पदार्थ हैं, पदार्थ के दो हिस्से होते हैं हमने जाने हैं, कारण रूप में वो नित्य होते हैं और कार्य रूप में अनित्य होते हैं। जहाँ कारण रूप होता है या नित्य होता है तो वहाँ ये एक जो संख्या है वो नित्य होगी, और जहाँ कार्य रूप होता है अनित्य होते हैं वो पदार्थ, वहां जाकर के एक संख्या अनित्य हो जाएगी। अब बचे द्वित्यादि, यहां से जो शुरू होती है द्वत्त आदिकम सर्वत्र अनित्यम, द्वत्त आदिकम अर्थात एक के बाद में जितनी भी संख्या है वो सभी जगह सर्वत्र अनित्यम, सभी जगह अनित्य होती है। तो संख्या के बारे में दो चीजें हैं, एकत्वादि का व्यवहार होता है उसको संख्या बोला जाता है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ ऐसे करके जो गिनी जाती हैं वो संख्या ही होती हैं। अब संख्या होती हैं लेकिन उनका व्यवहार जो होता है वो नव द्रव्यों में ही पाया जाता है। एकत्व का जो व्यवस्था है वो नित्य और अनित्य है, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, अर्थात जो नित्य पदार्थ है कार्य रूप में मौजूद होते हैं वहां नित्य होता है एक, और जहां कार्य रूप में अनित्य होते हैं वहां अनित्य होता है एक। लेकिन दो से बाद में जितनी भी, एक के बाद में दो तीन चार पांच जितनी भी परार्थ पर्यंत है वो अनित्य ही होती है, चाहे वो नित्य पदार्थ हो या अनित्य हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है समझ आया होगा। द्वित आदिकम सर्वत्र अनित्यम, सर्वत्र, ठीक है। आगे चलते हैं परिमाण पर, इसमें बोला गया है मान व्यवहार असाधारण, मान व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणः, मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाण, अर्थात मान व्यवहार का जो असाधारण कारण है वो परिमाण है। मान व्यवहार, मान से मतलब है मापना, मापने का जो भी कार्य होता है वो असाधारण जो कार्य है, मतलब उस हमने कारण के बारे में जाना था कि कारण क्या है, तो उसमें बात करी थी हमने असाधारण कारण के बारे में।
तो उसमें आप जाकर के कारण को पहले जान लें, जो कारण है क्या, तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, उसको देख लेना पहले। सादत्तम कारण में ऐसे करके परिभाषाएं देखी थी हमने। तो इसमें जो कारण है वो कह रहा है कि मान व्यवहार का असाधारण कारण को ही परमाण कहते हैं। तो ये कितने प्रकार का होता है इसे देख लेते हैं। एक अणु होता है, दूसरा इसमें जो होता है अणु महत दीर्घ और हिरस्व, ये चार प्रकार का होता है, अणु महत दीर्घ हिरस्व, या इसको ऐसे लिख दूं ना समझ में आ रहा हो तो, अणु महत दीर्घ हिरस्व। ये जो मापने की जो प्रक्रिया है वो चार प्रकार की है, अर्थात चार प्रकार से इसको मापते हैं। इसमें बोला गया सर्व द्रव वृत्ति, अर्थात वो सभी द्रव्यों में रहता है। पृथकत्व क्या है, पृथक साधारण कारणम पृथक असाधारण कारणम पृथकत्व, पृथक असाधारण, इसमें थोड़ा गलत हो गया है, पृथक व्यवहार असाधारण कारणम पृथकत्व, ठीक है। यहां पर ये बिंदी है, मान व्यवहार असाधारण कारण परिमाणम, पृथक व्यवहार असाधारणम कारणम पृथकत्व, अर्थात पृथक व्यवहार का, अलग अलग जो व्यवहार है उसका जो असाधारण कारण है वही पृथकत्व है। और इसमें ये नव द्रव्य वृत्ति होता है, बोला गया है इसमें ये सर्व द्रव वृत्ति, अर्थात सभी पदार्थों में ये होता है। संयोग क्या है, संयोग है संयुक्त व्यवहार हेतु, संयुक्त व्यवहार का जो हेतु है वो संयोग है। विभाग क्या है, ये सर्ववृत्ति सर्व द्रव वृत्ति, अर्थात सभी द्रव्यों में ये रहता है। विभाग क्या है, संयोग नाशको गुणो विभागा, इस तरह से इसको बोला गया है। अर्थात संयोग का जो संयोग नाशक का जो गुण है, विभाग का मतलब अलग ही होता है, संयुक्त का मतलब संयुक्त होता है मिलना, लेकिन जो सभी द्रव्यों में मिलन होता है, मिला हुआ होता है, द्रव्य जो पदार्थ होते हैं उसमें जो गुण होता है वो संयोग होता है, लेकिन उसको अलग करने वाला यानी सभी पदार्थों में, ये भी सर्व द्रव्य वृत्ति होता है, सभी पदार्थों में पाया जाता है। तो संयोग नाशको गुणों, अर्थात संयोग का जो नाशक होता है, संयोग है जो मिला हुआ है उसको अलग करने वाला जो गुण होता है वो विभाग होता है। तो इस तरह से हमने 9 गुणों के बारे में जाना, और ये आपको लाभकारी सिद्ध अवश्य होगा, एक बार में ही देखने पर आपको याद हो जाएगा, और इसमें से एक ना एक प्रश्न अवश्य ही रहता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। आज इतना ही।